हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी द लव सिटी ऑफ जेड। मूवी की शुरुआत में ब्रिटिश आर्मी सोल्जर एक हिरन के शिकार पर निकल पड़ते हैं। मेजर फर्सी हिरन को मार डालते हैं। फर्सी को लंदन जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, जहां वो जॉर्ज से मिलता है। वो उसे जंगल में खोज करने के लिए बोलते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। पर्सी को पता चलता है कि कोस्टिन भी उसके साथ जाना चाहता है और दोनों मिलकर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। जंगल में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जश्न हो रहा होता है। वो एक माइनिंग साइट पर होता है, जहां वो एक स्लेव को खरीदते हैं ताकि वो उन्हें जंगल में गाइड कर सके। फिर वो एक अमेज़ोनिया नदी में कुछ लोगों के साथ निकल पड़ते हैं ताकि पता कर सके कि पड़ोसी देश के साथ ये नदी कैसे जुड़ती है। रास्ते में उन सब पर तीरों से हमला होता है, तो वो सभी पानी में कूद जाते हैं, लेकिन पानी में पिराना होने की वजह से उन्हें बोट पर वापिस आना पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। स्लेव पर्सी से कहता है कि यहां बहुत लोग रहते थे, ये एक सुंदर गोल्ड सिटी थी, लेकिन इस जंगल में तुम्हारा बचने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट सीन में सभी नाव पर होते हैं और सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और खाना भी खत्म हो चुका होता है। तभी सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देख वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि स्लेव गायब हो चुका है। फिर वो एक जानवर का शिकार करते हैं और फिर उन्हें जमीन के अंदर मिट्टी के कुछ बर्तन दिखाई देते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि सदियों पहले यहाँ पर बस्तियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पर्सी अपनी अमेज़ोनिया की खोज पूरी कर घर वापिस आ चुका है, जहाँ वो एक मीटिंग में बताता है कि वहाँ पुराने सोने का शहर था, जो अब गायब हो चुका है, जिसे हमें ढूंढना होगा। वो कहता है कि इस शहर को मैं जेड का नाम दूंगा, जो कहीं खो गया है, और अब हमें यहाँ पर जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। ईयर 1912, अमेज़ोनिया पर सीन शिफ्ट होता है। पर्सी के साथ ही मिस्टर मारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। नदी में बोट पर सभी पर आदिवासियों का हमला होता है, तो वो छिप जाते हैं। पर्सी मिस्टर मैनली को म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलता है और खुद गाने लगता है, जिससे हमला रुक जाता है। पर्सी आदिवासियों के पास जाता है और उनके साथ चला जाता है। फिर वापस आकर वो बताता है कि सब ठीक है, सभी आदिवासियों के साथ उनके कबीले में चले जाते हैं। मिस्टर मारी देखता है कि उन्होंने एक इंसान को पकाया हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चला जाता है। कबीले का सरदार उन्हें चेहरे पर लगाने के लिए कुछ रंग देता है। फिर पर्सी उन्हें बताता है कि वो जेड सिटी को ढूंढने आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें नदी में आगे जाना होगा। फिर वो एक लिक्विड को नदी में डालकर मछलियों को बेहोश कर उन्हें खाने के लिए देते हैं। अगली सुबह पर्सी और उसकी टीम निकल पड़ती है। मिस पर्सी और उसके साथी देखते हैं कि मिस्टर मारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो हालात से परेशान होकर रोने लगता है। फिर सभी नदी में बोट पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। मिस्टर मारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, उसका पैर भी काफी घायल हो जाता है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर में जहर फैल रहा होता है। तो पर्सी उसे कहता है कि तुम नदी की दूसरी तरफ सुरक्षित जगह पर चले जाओ, और उसे वहां से भेज देते हैं। तभी पर्सी को कुछ अजीब से स्टैचू दिखाई देते हैं। सबको पता चलता है कि मिस्टर मारी जाने से पहले सबके राशन खराब कर चुका है, और वो वापस लौट जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, एक जंग के मैदान में। पर्सी को एक भविष्यवाणी करता मिलती है, जो बताती है कि तुम्हें जेड सिटी को ढूंढना है और तभी तुम्हें शांति मिलेगी। फिर काफी भयानक जंग होती है, जिसमें पर्सी की आंखें चली जाती हैं और वो बहुत दुखी होता है कि अब वो कभी अमेज़ोनिया नहीं जा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है 1923 पर, जहां पर्सी ठीक हो जाता है। पर्सी का बेटा जैक उसे कहता है कि हम जेड सिटी को ढूंढने जा सकते हैं। सफर पर वो दोनों बापेटा निकल पड़ते हैं। दोनों एक कबीले में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक गुफा के बारे में पता चलता है, जहां इंसानों की तस्वीरें बनी होती हैं, और शायद वो जेड सिटी तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ और आदिवासी मिलते हैं, जो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दोनों बाप बेटा चारों तरफ से आदिवासियों से घिर जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। रात में उन्हें कुछ पिलाया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है पर्सी की वाइफ पर, जो सर जॉन को बताती है कि मुझे कल एक आदमी ने बताया था कि जैक और पर्सी आदिवासियों के साथ रहने लगे हैं और उन्हें शायद जेड सिटी भी मिल चुकी है। वो एक कंपास सर जॉन को देखकर कहती है कि ये मुझे उस आदमी ने दिया था, आप इसकी जांच करें। और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।